हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र, अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बराबर एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। इस वाले सवाल में हम लोग रेलवे प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर वाले जो सवाल है ना, उन पर बात करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। आप लोग इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर क्लास को देख रहे हैं। टॉप एजुकेटर टीम के द्वारा टॉप बैच चालू किया गया बच्चा, सफलता बैच स्टार्ट किया गया इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर टीम के द्वारा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। कंप्लीट जनरल स्टडी बैच स्टार्ट किया गया है इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटेड टीम के द्वारा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डीकेएम 10 कोड लगाना ना भूले। आज के डाउट बाय अनअकैडमी राइस एंड अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चा प्रत्येक संडे दिन में 12 बजे होता है। एनरोल करने के लिए डीकेएम 10 कोड लगाए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डीकेएम 10 कोड लगाए। मेरी रेगुलर क्लासों का टाइम टेबल, यदि आप लोगों को नहीं पता है मेरी रेगुलर क्लासों का टाइम टेबल, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। 3 पार्टों में आपको मेरी क्लासों का टाइम टेबल दिखा रखा है। 3 जो आपको येलो कलर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं मेरी रेगुलर क्लासों का टाइम टेबल, और स्पेशल नोट दिया हुआ आपको ग्रीन पार्ट में। क्लियर है ना? ओके, छोटी सी डिटेल मेरे बारे में, छोटी सी डिटेल टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में। तो आप लोग फटाफट एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। और आप लोगों ने यदि इन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर लेंगे बच्चा, और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आपको यहाँ पर पीडीएफ और क्लास लिंक मिलने वाले होते हैं। तो बिंदास होकर के पढ़ते रहिए और मस्त होकर के। चलिए बच्चा, अब आज के सवाल पर चलते हैं। आज की इस क्लास के सवाल पर कुछ सवाल हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कुछ सवाल हम लोग कर चुके थे, क्लियर है ना? ओके, फटाफट कर दो भाई सवाल को। फटाफट कर दो सवाल को। देखो सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का 5/12, उसका 3/4, 5/12 का मान 3/4 है। संख्या क्या है? मैंने कहा संख्या जी मान के चलो पी है, पी का 5/12 कितना होगा? 3/4 होगा। 4 से काटेंगे तो ओके, पी का मान क्या हो जाएगा? 3 × 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा? 9/5। काटा पीटी करेंगे तो 1 सही 4/4 कितना आएगा? 1 सही 4/4। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है ना? ओके, अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट, अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर दो। अगला सवाल, ओ मोस्ट कर लेना इस सवाल को, मोस्ट कर लेना भाई इस सवाल को, काफी बार पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने क्या किया, हमसे इनका मान पूछ रहा है, तो मैंने किया यहां पर कोसेक इनवर्स गामा बराबर थीटा मान लिया। तो गामा का मान क्या आएगा यहाँ से? कोसेक थीटा। ऐसे ही सेग इनवर्स गामा बराबर फाइव मान लिया, तो यहाँ से भी गामा बराबर क्या आएगा? सेग फाइव आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी गामा है और यहाँ भी गामा है, तो दोनों गामा की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। मतलब गामा का मान क्या है? कोसेक थीटा बराबर सेग फाइव। अब नोट ध्यान रखना आप हमेशा, यदि आपको एक ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहां पर साइन ए बराबर कॉस भी हो, टेन ए बराबर कॉट भी हो, ये जोड़े अगर मिल जाए ना आपको, तो आप बिंदास होकर के कैलकुलेट करें बराबर सेग बी ओ। क्लियर है? अगर ये तीनों में से कोई सा भी जोड़ा मिल जाए, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, और कोसेक के साथ सेग, कोसेक के साथ सेग, ये भी है ना, तो ध्यान देना मेरी बात पर हमेशा। इनके कोणांकों का योग क्या होगा? हमेशा 90 होगा। अगर ये बराबर है तो 90 होगा। ऐसे ही ये बराबर है तो इनके कोणांकों का योग कितना हो जाएगा? 90। मतलब थीटा प्लस का फाई बराबर 90 होगा। तो थीटा किसको माना है? इसको, और इसको क्या माना है? फाई। और इनका योग कितना आया? 90। मतलब इनका जो मान पूछा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू? 90 हो जाएगी भाई। क्लियर हुआ?
ऐसा कोई बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही है? नहीं है ना? ओके, बिंदास होके कैलकुलेट कर दो। वेरी गुड। ओके, अगला सवाल कह रहा जी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। एक चीज ध्यान रखना, फिर नोट दिखा दूं मैं आपको। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। अगर ये तीनों में से किसी का जोड़ा बराबर दे दिया, इनका कोणांक बराबर दे रखा है आपको, तो इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। थीटा 45 है तो सेक 45 का मान रूट दो प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, क्लियर है, सुपर है। अगला सवाल कैलकुलेट कर दो। क्या जानते हैं? अंडर रूट 147 का मान होता है 49 इंटू का 3, और 49 को बाहर निकालोगे तो 7 अंडर रूट 3 आएगा। कर दो भाई, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 अंडर रूट 3 माइनस का 7 बटा 3 रूट 3 प्लस का 7 बटा रूट 3, लघुत्तम क्या आएगा? 3 रूट 3। कैलकुलेट करेंगे तो 3 7 रूट 3 तो चल ही रहा है, मल्टीपल 3 रूट 3 माइनस का 7 और प्लस का 7 मल्टीपल कितना? कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 963 गुणा 3 कर दो तो 189 बटे में कितना? इसे यदि कैलकुलेट किया जाए तो 203 बटे में 3√3, ऊपर नीचे से रूट से गुणा कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 203√3 और नीचे होगा 9। कौन सा ऑप्शन है भाई? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? सही है ना? अगला सवाल या कॉमा लगा देना। हम कह रहे हैं ये संख्या 3 से विभाजित है, एक्स का न्यूनतम मान है, एक्स का छोटे से छोटा संभव मान ज्ञात करो। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो 3 के मल्टीपल हटा दो, मतलब ऐसे अंकों का योग जिनका ऐसे अंक जिनका खुद का मान 3 के मल्टीपल हो, या ऐसे अंकों का योग 3 के मल्टीपल बैठा हो, तो हटा देंगे। 6 3 का मल्टीपल है, 7 और 2 9, 9 3 का मल्टीपल होता है। क्या बचेगा? एक्स और एक बचेगा, तो अब जो बच रहा है उनके अंकों का योग भी 3 के मल्टीपल में होगा। तो मैंने कहा थी 3 ही है तो एक तो चल ही रहा है, और एक्स का मान क्या जाएगा? 2, तो एक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा? केवल 2 ही होगा, दूसरी संख्या को हम जा ही नहीं सकते। क्लियर है ना? क्योंकि फिर एक्स के मान बड़े प्राप्त होंगे हमें। क्या? एक्स के बड़े मान प्राप्त होंगे हमें। क्लियर? ओके, एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। कह रहा दो संख्याओं 15:11 के अनुपात में है, उनका एच सी एफ 13 है, संख्या ज्ञात करो। जब आपको अनुपात दे दिया जाए, एच सी एफ दे दिया जाए, तो संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करोगे? अनुपात को एच सी एफ से मल्टीपल कर दो। तो 15 एच सी एफ कितना है, दूसरा 11 एच सी एफ कितना है, टोटल क्या जाएगा? 195, और यहाँ से क्या जाएगा? 143। ओके, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताओ? कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? बिंदास होकर के लेते रहो, सही है ना? ओके, ये खुद से करना होमवर्क में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट भाई। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट।
अगला सवाल, वेरी गुड। कह रहा जेड का मान ज्ञात करो जी, कौन से कथन से जेड का मान निकाल सकते हैं? पहले वाले से निकाल सकते हैं भाई, जेड का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए का मान नहीं है। पहले वाले में जेड का मान निकालने के लिए ए का मान होना जरूरी है। ए का मान है क्या? नहीं है। जब ए का मान ही नहीं है तो जेड का मान नहीं निकलेगा। दूसरे वाले में देखा कि जेड का मान निकालने से पहले हमें पी का मान पता होना चाहिए, पी का मान पता नहीं है तो हम जेड का मान नहीं निकाल सकते, ना तो पहले वाले से निकाल सकते ना दूसरे वाले से। क्लियर हुआ? तो कौन सा राइट हो जाएगा? नाइदर वन नॉर सेकंड इज सफिशियंट, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? न तो एक और न ही सेकंड पर्याप्त है। क्लियर है ना? ओके, अगला सवाल। होमवर्क में ले लो ये भी। ओके, वेरी गुड। अब एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे भाई सारे सारे बच्चे, क्लास को ना अच्छे से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चा फटाफट एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। एक्चुअली में क्या है, मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तबीयत डाउन चल रही है। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कई दिन से ना बुखार चल रहा है इसलिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं गिरा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू।